ऋतिक क्या हुआ बेटा? पार्टी हो रही है, खुशियों का माहौल है, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? और देखो, अगर मेरी बहू को अकेला छोड़ा ना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। चलो मेरे साथ। नहीं मां। चलो मेरे साथ। और तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? मेरे बेटे ने कुछ कह तो नहीं दिया ना? अगर ऐसी बात है तो बोलो, अभी क्लास लेती हूँ इसकी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर ये क्या, हम अकेले तुम अकेले? देखो सब डांस कर रहे, और मैं चाहती हूँ तुम दोनों भी डांस करो। बेटा चलो बेटा। ऋतिक मेरी बात सुन, मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल रही, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम सलामत से रहो, हिफाजत से रहो। ऋतिक, जैसे मुसीबतों में तुमने मेरा साथ दिया, मैं वही साथ देना चाहती हूँ। प्लीज मुझे देने दो। मुझे मेरे परिवार के खिलाफ करके तुम मेरा साथ दे दिया, ये कैसा साथ है शिवन्या? फिर तो मुझे चले जाना चाहिए ऋतिक। अगर मैं गलत हूं तो मेरा यहां रहना सही नहीं, मैं इस घर से चली जाऊंगी और फिर कभी तुम्हें अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी। ये मेरा वादा है तुमसे, बस एक बार मुझे गलत साबित कर दो, मैं यहां से चली जाऊंगी। ऋतिक एक बार उस नागमणि के बारे में पूछ तो लो, एक बार उस मणि को देख तो लो। अब इसका क्या करोगी? आपको तो मोरनियों की बस्तियों में होना चाहिए, मन बड़ा मचलता है आपका। अब देखिए मैं इसका क्या करती। बहू कहाँ है आपकी? बहू कहाँ है आपकी? चाहिए, देखिए उसे, उसका असली रूप जाकर देखिए। आज वो आपको नजर आ जाएगी। आज तक जो थी वो नहीं थी, आज जो है वो वही है, वो नागिन है नागिन। और मैं उसकी दुश्मन, खूबसूरत दुश्मन। दुश्मन को देखिए, दुश्मन ही देखिए। मोर मोर मोरनी मोरनी हूं मैं। ये अचानक मुझे क्या हो रहा है? ना तो आज चांद है, ना ही चांदनी रात है। मेरा ये नागिन रूप क्यों आ रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? अभी तक तो शिवन्या यही थी, कहाँ चली गई? Thank you.
मैं तुझे दिखाता हूँ नागमणि। नागमणि तो है ही नहीं, तो ये क्या दिखाएगा? आज इसका सच सामने आ जाएगा। तुझे नागमणि देखती है ना? ये क्या कर रहा? ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बेटे ने अपने बाप पे शक किया है। जरूरत है, चुप रहिए, चुप रहिए। एंटी जी क्या कर रहे हैं आप? गिर जाएंगे आप। एक बेटा क्या कर रहे हैं? पापा से ये सब कुछ क्यों करवा रहे हो? तो एंटी जी नहीं, मुझे मत रोकिए। एंटी जी मत रोकिए मुझे, आज मत रोकिए। कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे यकीन हो गया है। नहीं, उसको यकीन नहीं है मुझे, नहीं है। ये देख, ये रही तेरे नाम। क्या कसम खाई थी तुमने, बताओ? तुमने कहा था कि अगर तुम गलत साबित हुई तो तुम इस घर को छोड़ के चली जाओगी, मुझे अपना चेहरा कभी नहीं दिखाओगी। तो तुम गलत साबित हो चुकी हो शिवन्या, गलत हो तुम, गलत हो तुम। तुमने कसम खाई है तो तुम निभाओगी, चली जाओगी इस घर को छोड़ के। लेकिन मैंने तुम्हें ये कसम इसलिए याद नहीं दिलाई कि तुम घर छोड़ के चली जाओ, बल्कि इसलिए याद दिलाई कि तुम्हारा मेरे ऊपर जो विश्वास था वो तुम वापस ला सको। शिवन्या, इतना तो तुम मुझे जानती हो कि मुझ पर विश्वास कर सको। मैं जिन लोगों पर विश्वास करता हूं उन पर विश्वास कर सको। अगली बार से मेरे घर वालों पर कभी शक मत करना, कभी नहीं। ऋतिक मेरी एक बात सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारी कसम से आजाद करता हूँ शिवन्या, लेकिन फिर भी तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, रोकूंगा नहीं। लेकिन कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम भी कर दूंगा। ये फैसला तुम्हारा है शिवन्या, पर इस घर में रहना है तो इस घर के रिश्तों पे विश्वास के साथ रहना होगा। क्या हुआ शेषा, कोई सुराग मिला? नहीं शिवन्या, गुरुदेव ने बहुत कोशिश की पर कुछ सामने नहीं आया। दुश्मन लगता है किसी अलग ही अंदाज में आया है, पर आया तो जरूर है। लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें चोट पहुंचाए या फिर तुम पर वार करे। तो फिर मुझे वार का एहसास क्यों हुआ? तुम चिंता मत करो शिवन्या, मैंने तय कर लिया है कि नाग रूप में मैं उस घर में रहूंगी। पल पल तुम पर नजर रखूंगी, तुम्हारी रखवाली करूंगी। मैं हूं ना शिवन्या। ऋतिक, तुम कभी नहीं कहोगे कि मैंने तुम्हें अंकुश रहजा के बारे में जो कुछ भी बताया है वो सब गलत है। देखो, देखो इस तस्वीर को देखो, अंकुश रहजा तुम्हारे असली पिता नहीं है। ऋतिक चाहे जो कुछ भी कहे, जो कुछ भी करे, मैं उसे ये तस्वीर दिखाकर रहूंगी, सच्चाई सामने लाकर रहूंगी। ऋतिक, शिवन्या तुमने क्या सोचा, क्या फैसला है तुम्हारा? मुझ पे, मेरे अपनों पे भरोसा है या नहीं? सवाल जब इस घर के लोगों का आता है तो तुम्हें जवाब देने में इतनी देर क्यों लगती है? शिवन्या, तुम्हारी नजरों ने मुझे जवाब दे दिया है, फिर भी तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। तुम यहाँ रुकियो, उसकी वजह विश्वास है या कुछ और? ऋतिक, मैं तुमसे ऋतिक मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा।
यहाँ पर मैं हेयर ड्रायर ऑन करने गई तो ड्रायर ही जल गया। यहाँ के स्विच कहाँ से ऑन होते कहाँ से ऑफ, इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड। इंसान तो इंसान, यहाँ की चीजें भी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे इतना सब कुछ मुश्किल क्यों है? जो सीधा है वो उल्टा है और जो उल्टा है वो सीधा। सही कहा तुमने, जो सीधा है वो उल्टा दिखता है और जो उल्टा है वो सीधा दिखता है। तुम्हारे परदेश और इस देश में वो फर्क जरूर होगा, पर एक पति पत्नी जब अकेले हो और उनके बीच में कोई तीसरा आ जाए तो उसे परदेश में भी तीसरा कहते हैं और इस देश में भी। सही कहा ना मयूरी, मैं अपने पति से कुछ बात कर रही हूँ। जहाँ तक तुम्हारी प्रॉब्लम की बात है तो इस घर में बहुत सारे नौकर हैं, किसी को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। रितिक, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, पर किसी तीसरे के सामने नहीं कर सकती। चलो यहां से।